सो है गाइस, ये हमारा एक बोरवेल और गाइस बोरवेल होता है, उस पर नॉर्मली हम मोटर डालते हैं और उसके बाद उससे पानी ऊपर आता है। लेकिन गाइस जो हमारा ये बोरवेल है इससे अपने आप पानी ऊपर आता है। और गाइस आज मैं इसी पानी का एक बहुत ही मज़ेदार यूज करने वाला हूँ। और गाइस आज मैं इस पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला हूँ। सो गाइस, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया है। और गाइस जिस पर मैंने ये जो कूलर की पानी की मोटर होती है उसका यूज किया है। और गाइस यहाँ पर मैंने एक पंखुड़ियाँ लगा रखी हैं। और गाइस जब ये पंखुड़ियाँ घूमेगी और गाइस जब इनमें पानी गिरेगा तो ये अपने आप घूमेगी। और गाइस उसके बाद ये जो मोटर है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी और गाइस इसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। सो गाइस चलिए इस पावर प्लांट को चला करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सो गाइस चलिए अब मैं इस मोटर को यहाँ पर रख देता हूँ पानी के नीचे। और गाइस ये रखते ही अपने आप चलने लग गए हैं। और गाइस अभी जो ये मोटर के दो वायर हैं इन पर अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और गाइस जब इन वायर को उस बल्ब से कनेक्ट कर देता हूँ और गाइस उसका वायर यहाँ पर है। सो गाइस अभी आप ध्यान से देखोगे तो वो बल्ब हल्का हल्का ग्लो कर रहा है और गाइस उसके यहाँ पर इंडिकेशन लाइट भी ग्लो कर रही है। चलिए मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। तो गाइस जिस वाले बल्ब को एलईडी बल्ब को ध्यान से देखिए, हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। और गाइस जो ये वाला बोर्ड है इस पर सिर्फ इस मोटर से ही लाइट आ रही है। चलिए मैं आपको इस बल्ब की ये ऊपर वाली कैप को हटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से दिखेगा। लेकिन गाइस जब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा ये वाला बल्ब है ये बार बार ब्लिंक क्यों कर रहा है, यानी गाइस ये चालू बंद क्यों हो रहा है, तो गाइस जो हमारी ये वाली मोटर है ये कूलर की मोटर है और गाइस ये एसी करंट जनरेट कर रही है। और गाइस यहाँ पर डीसी करंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए गाइस जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ही कम है। और गाइस आपको पता होगा जो एसी है वह बार बार आती हैं और जाती हैं, लेकिन गाइस जो हमारी घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 Hz होती है, इसलिए गाइस जो वह हैं बहुत तेज़ी से ब्लिंक होती है, इसलिए गाइज हमें पता नहीं चलता। लेकिन गाइज यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लो है, इसलिए गाइज यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि जो हमारी एलईडी है वो बार बार ब्लिंक कर रही हैं।